देशोस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्याम् स्वर्ग सन्निभः। इतिहास के हर पन्ने को पढ़कर पता चलता है कि ऐसा कोई भी युग नहीं है जिसमें हरियाणा का जिक्र ना हुआ हो। स्वर्ग के समान ये हमारा सुंदर प्रदेश अपने अंदर कई गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर लिए हुए है, किंतु दुर्भाग्यवश सरकार की अनदेखी के कारण आज ये सभी धरोहर खंडर में तब्दील होती जा रही है। हम काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे कि आपको हरियाणा के हिस्टोरिकल प्लेसेस की वर्चुअल विजिट करवाई जाए। इसी सीरीज का पहला एपिसोड शुरू होता है हिसार से, जहां हम विजिट करवाने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक का किला और गुजरी महल। अपने चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें हम ट्राई करेंगे हरियाणा के हर हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करें। आज जब हम इस किले को देखते हैं तो ये इसका एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये किला आधे से ज़्यादा हिसार को कवर किए हुए था। हमारे देश पर अनेकों रियासतों और राजाओं ने राज किया, रियासतें आई और गई, उनमें से एक था तुगलक वंश। तुगलक वंश के थर्ड किंग फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह का शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। इन्होंने चांदी के सिक्के और नहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया। इनके काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सेकंड टॉपिक है। हमारा पर्पस आपको हरियाणा के हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाना है। किले के अंदर आपको लाट की मस्जिद और तहखाने देखने को मिलता है। इस किले का निर्माण 1354 में शुरू हुआ, लगभग 2.5 वर्षों के बाद ये बनकर तैयार हुआ 1356 में। इस हिसाब से किला लगभग 667 साल पुराना है। किले के बारे में अलग अलग थ्योरी सामने आती है। इस किले का निर्माण तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था, जो कि हिसार की निवासी थी। कुछ लोग आज इसे भूतिया किले के नाम से भी जानते हैं। और एक थ्योरी के अनुसार एक बार एक बारात मौसम के खराब होने के कारण इस किले में आ गई। उस बारात का आज तक नहीं पता चला वो लोग कहाँ गए।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग नेक्स्ट पार्ट में हरियाणा का किस हिस्टोरिकल पैलेस को देखना चाहते हो।